जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ SSC GD कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी ऑफिशियली जारी कर दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी तक आपको सिर्फ ये मालूम था कि आपकी SSC GD 2024 के लिए 26,146 पोस्ट निकाली है, बट आपको ये नहीं पता था कि कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। अब उसकी जानकारी आ चुकी है। आप यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी चेक करेंगे कि आपकी स्टेट में आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे, जो कि वेबसाइट ओपन होने में इशू करती है, तो इसलिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप ओपन करेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है। ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दे दी गई थी, बट आपको ये नहीं बताया था कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है। अब उसकी जानकारी आ चुकी है, तो आप यहीं पर आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए और आपको इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में SSC GD स्टेट वाइज वैकेंसी 2024 ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने PDF आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि यहां पर आपकी स्टेट मेंशन की गई है, इसमें अंडमान एंड निकोबार है। फिर आप देखेंगे कि BSF में कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में SC के लिए कोई वैकेंसी नहीं, ST के लिए कोई नहीं, OBC के लिए कुछ नहीं। अब गाइस मैं बात करने वाला हूं SSC कांस्टेबल GD बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, और चक्षु प्रकाशन इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप यहां पर इसी की बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आप कम समय के अंदर अच्छा सिलेबस कवर कर सकते हैं और काफी शॉर्ट में यहां से इस बुक के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली क्या मिलेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपके लेटेस्ट सिलेबस को कवर किया गया, जहां पर आपको सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। इसके अलावा गाइज इसमें आपके 2800+ यहां पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है व्याख्यात्मक हल सहित, और इसके अलावा 5 सोल्ड पेपर आपको मिलेंगे 2023 से 2021 तक। एंड आप यहां पर इसका जो समरी है और भी डिटेल में देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो बेसिकली आपके लिए बुक बहुत अच्छी रहेगी अगर आप SSC GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इसको बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक को यूज करके बुक को बाय कर सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करना चाहते हैं, तो यहां पर आप चक्षु प्रकाशन का ही जो प्रैक्टिस सेट है SSC का, वो भी ले सकते हैं। आप यहां पर इस प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं, और भी मजबूत कर सकते हैं। इसलिए गाइज आप जब स्टडी गाइड ले रहे हो तो आप ये प्रैक्टिस सेट भी परचेज करिए, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है और भी मजबूत करें। एंड दोनों को बाय करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। EWS के लिए 0, जनरल के लिए 2, टोटल मिलाकर के 2 पोस्ट है। इसी प्रकार से आप यहां पर इस स्टेट में CSF के लिए कितनी वैकेंसी वो चेक करेंगे, एंड CRPF के लिए कितनी वैकेंसी वो देखेंगे, SSB के लिए कितनी है, ITBP के लिए कितनी है, AR के लिए कितनी है, SSF के लिए कितनी है, NCB के लिए कितनी है, और उसका जो ग्रैंड टोटल है वो कितना है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर इस टेबल के अंदर देखेंगे सभी स्टेट की आपको वैकेंसी दी गई है, साथ ही ये भी बताया कि कौन से डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी है। जैसे कि यहां पर अगर हम यूपी की चेक करें, तो यूपी की आप देख लीजिए कि SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, एंड फिर यहां पर टोटल कितना होता है। अगर हम इसको जब स्टेट में देखते हैं तो ऐसे में बहुत कम वैकेंसी ये दिखाई देती है। तो अभी यहां पर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टेट कैटेगरी वाइज वैकेंसी टू बी नोटिफाइड फॉर कांस्टेबल मेल एग्जाम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। ये जो यहां पर वैकेंसी दी गई है ये नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए है। आप यहां पर नक्सल अफेक्टेड की जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जानकारी देखेंगे, एंड इसके बाद में यहां पर आपका जो बॉर्डर गार्जिंग डिस्ट्रिक्ट है उनमें देखेंगे कि बॉर्डर गार्जिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्टेट के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी कैटेगरी में कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसकी जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे। फिर यहां पर एक्सक्लूडिंग नक्सल एंड बॉर्डर गार्डिंग अफेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट एरिया, तो बाकी जो एरिया बचते हैं उनके अलावा उसकी आप यहां पर वैकेंसी डिटेल चेक करेंगे। तो आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। एंड नीचे आपको यहां पर सभी का योग दिया गया है, फोर्स वाइज कंसोलिडेटेड वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल ट्रेड्समैन GD एग्जाम 2024। तो कौन से डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहां पर सभी जानकारी चेक कर लेंगे। कोई जानकारी समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेस्ट बुक सजेस्ट की है, वो बेस्ट बुक आपको परचेज कर लेनी है अपनी इस एग्जाम की
की प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए, जिसका बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई सवाल डाउट हो इन वैकेंसी को लेकर के या बुक को लेकर के, वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो ये थी आपकी जानकारी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।